वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखरा वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनी। माँ दुर्गा जी पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। ये ही नवदुर्गाओं में प्रथम दुर्गा हैं। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इनका वाहन वृषभ यानी बैल है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही सती के नाम से भी जानी जाती हैं। यह माँ पार्वती का अविवाहित स्वरूप है। एक बार जब सती के पिता प्रजापति दक्ष ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया, पर अपने दामाद भगवान शंकर को नहीं। सती अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है, उन्हें नहीं। ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। परंतु सती संतुष्ट नहीं हुई। देवी सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग्य और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव था। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे, इससे सती को क्लेश पहुंचा। वे अपने पति का यह अपमान न सह सकी और योगाग्नि द्वारा अपने आप को जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर शंकर भगवान ने तांडव करते हुए उस यज्ञ का विध्वंस करा दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। शैलपुत्री का विवाह भी फिर से भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिव की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। माँ शैलपुत्री पार्वती माता को हेमावती भी कहा जाता है। एक बार देवताओं को भी अहंकार हुआ था। उस समय शैलपुत्री ने उनका गर्भहरण कर उनका अहंकार नष्ट कर दिया था। नवरात्रि का प्रथम दिन इन्हीं माँ शैलपुत्री को समर्पित है। माँ अपने इस स्वरूप में भक्तों के मनोवांछित पूर्ण करने वाली, चंद्राभूषण धारण करने वाली, वृषभारूढ़ त्रिशूलधारी तथा यश प्राप्त करा देने वाली हैं। शैलपुत्री देवी के चरणों में हमारा कोटि कोटि वंदन।